यहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की हम लोग कंप्लीट सुविधा दे रहे हैं, सारी दवाइयाँ, मास्क, पीपीई किट्स, इवन फूड की व्यवस्था भी हमारी तरफ से ही की गई है जो कि कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हमने 10 बेड्स का इसलिए करा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हमारे पास हमारे पास सिलेंडर्स, तो जैसे जैसे हमारे पास पेशेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का आगे से इंतज़ाम करेंगे। ओनली टेस्ट का चार्जेस होता है, वो भी हम डिस्काउंट में दिलवा रहे, बाकी किसी चीज़ का किसी तरह का चार्जेस यहाँ नहीं। जिले में बेड की किल्लतों को देखते हुए अनेकों संस्थाओं ने आइसोलेशन वार्ड बनाए, कोविड केयर सेंटर बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय एक आइसोलेशन वार्ड में मैं यहां पर मौजूद हूं। मैं ज़रा एक नज़ारा आपको पूरा दिखा दूं कि किस तरीके से यहां पर बेड्स लगाए गए हैं, किस तरीके की यहां पर सुविधाएं हैं और कौन कौन पेशेंट्स यहां पर आ सकते हैं, क्या उनको सुविधा मिलेगी, कैसे उनका इलाज होगा, ये सब बात करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। इस समय मैं मौजूद हूँ ओमेक्स वॉल स्ट्रीट पर, जहाँ पर ये आइसोलेशन वार्ड खोला गया है। और अब मैं आपको बात कराती हूँ यहाँ पर जो डॉक्टर हैं जिनकी देखरेख में जो मरीज आएंगे उनको ट्रीट किया जाएगा और उनका ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुत्यम। डॉक्टर मुत्यम, आप यहाँ पर आए हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं इनसे कोविड पेशेंट्स जो इनको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा जी। एक्चुअली गरीब लोग को ही होगा ना, उनका घर पे आइसोलेशन होने का सुविधा नहीं होगा, उसी पेशेंट को मतलब बाकी फैमिली वालों को भी बीमारी होने का चांसेस रहता है, उसी टाइप का लोगों को यहाँ इसी टाइप का फैसिलिटी बहुत अच्छा है। इनको डेली मतलब खाना भी मिल जाएगा, दवा भी मिलेगा और किसी को ऑक्सीजन ज़रूरत पड़े तो वो भी मिलेगा हमारा। क्या क्या और सुविधाएँ यहाँ पर दी जा रही हैं खाने और ऑक्सीजन के अलावा? और बाकी सारे मेडिकेशन और 3 टाइम इनका स्टीम इनहेलेशन मिलेगा और नेबलेशन भी मिलेगा हमारे पास। कि ये निशुल्क है या कोई चार्ज है इनके? नहीं जी, चार्जेस तो ओनली टेस्ट का चार्जेस होता है, वो भी हम डिस्काउंट में दिलवा रहे, बाकी किसी चीज़ का किसी तरह का चार्जेस यहाँ नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं आइसोलेशन वार्ड को खुले हुए सर? 3 दिन हो गए। कितना मंडे से शुरू हुआ था? मंडे से शुरू हुआ था और चौथा दिन है आज यहाँ पर। कितना स्टाफ यहाँ पर, मेडिकल स्टाफ यहाँ पर मौजूद है? यहाँ तीन शिफ्ट का स्टाफ रहते हैं, मॉर्निंग 6 आवर्स, आफ्टरनून 6 आवर्स, नाइट 12 आवर्स का। एक नर्सिंग स्टाफ रहेगा हर टाइम, एक डॉक्टर रहेगा और एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय और एक रिसेप्शनिस्ट रहेगा। अच्छा, इतने सारे लोग यहाँ पर अभी पेशेंट कम है, इसलिए कम स्टाफ है। अभी पेशेंट बढ़ते हुए उसके हिसाब से स्टाफ हम बढ़ाएंगे। अच्छा, पेशेंट्स के बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए स्टाफ बढ़ाएंगे हम। अच्छा, कौन से मरीज यहाँ पर आके रह सकते हैं, किस कंडीशन में आके रह सकते हैं यहाँ पे? नॉर्मली कोई भी पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स के साथ और घर पे कोई आइसोलेशन का सुविधा नहीं हो तो वो आ सकते हैं, और कोई भी पेशेंट 85 के ऊपर सैचुरेशन रह के उनका ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ सकती है वो आ सकते हैं, और बाकी बीपी शुगर रह के मतलब उनका कंट्रोल वाली है तो हम यहाँ ट्रीट कर सकते हैं। अभी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही थी, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस पैदा हो गई थी, यहाँ पर वो पूरी सुविधा रखी गई है? हाँ जी, ऑक्सीजन का तो 24 आवर्स का सुविधा रखा है यहाँ जी। कितने बेड हैं इस आइसोलेशन वार्ड में? 50 बेड्स है पूरा। 50 बेड्स हैं जी। 50 बेडों की संख्या का ये आइसोलेशन बेड है यहाँ, सॉरी आइसोलेशन वार्ड है, कोविड केयर सेंटर है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये टेम्परेरी चीज बनाया गया है। इन बेडों की खासियत है कि जो बेड है ये कार्टून से बनाया गया, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ों का उपयोग नहीं हो पाता है, इतनी जल्दी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। लेकिन एक और ये बात है कि बेशक ये कार्टून के बनाए गए, लेकिन इनकी जो क्षमता है ये 200 किलो क्षमता रखती है, वजन सहने की क्षमता रखती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए हर बेड के ऊपर पॉइंट्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होती है तो वो मरीज़ तक पहुँच सके, चाहे वो ऑक्सीजन की ज़रूरत हो चाहे उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत हो। फिलहाल एक चीज़ यहाँ पर ये अच्छी कही जा सकती है कि जिन परिवारों में लोग सामूहिक रूप से रहते हैं और घर छोटा होता है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फिलहाल महामारी का दौर चल रहा है, महामारी की वजह से ज़्यादातर लोग इसकी गिरफ्त में हैं और गिरफ्त में आने की वजह से उनका परिवार इस चपेट में आ जाता है।
तो क्या इसमें एक हल ये निकाला जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति को कोविड हुआ है, वो कोरोना से ग्रस्त हुआ है, तो वो यहाँ आकर खुद को आइसोलेट कर सकता है, बिल्कुल घर जैसा माहौल यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात है काफ़ी स्पेसफुल जगह है पूरा यहाँ पर, इतना काफ़ी ज़्यादा जगह है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है तो उसको इतनी परेशानी नहीं होगी, साथ ही यहाँ पर स्टाफ भी हमेशा मौजूद रहता है, तो पेशेंट के साथ उसको अटेंड करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर होगा। तो अगर बात करीजिए ओमैक्स वन स्ट्रीट के सहयोग की, तो ये सराहनीय कार्य है, क्योंकि अगर बेड्स की बात करें तो कुछ समय पहले से इतने ज़्यादा परेशानियां हो रही थी कि लोगों को बेड्स अवेलेबल नहीं थे। फिलहाल छोटी सी मुहिम सही, लेकिन ये बहुत अच्छी मुहिम है, ताकि कोरोना ग्रस्त जो व्यक्ति है उनसे किसी दूसरे सदस्य को कोविड ना हो, इसके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पर ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में एक आइसोलेशन वार्ड, जिसमें किस तरीके से यहाँ पर मरीज को रखा जाएगा और वो उसका किस तरह से इलाज होगा। 50 बेडों की संख्या से बने इस कोविड केयर सेंटर के लिए एक और चीज़ बताई जा सकती है कि यहाँ पर सभी मरीजों का बकायदा ध्यान रखा जाएगा। जो शुल्क लिया जा रहा है वो सिर्फ टेस्टिंग का शुल्क लिया जा रहा है, बाकी की सभी सेवाएं और सुविधाएं मुफ्त हैं, चाहे वो उनका खाना हो, दवाइयाँ हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, डॉक्टर की फ़ीस हो, वो सभी यहाँ पर निःशुल्क है। सिर्फ आपके जो एक्स्ट्रा जो टेस्ट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर आपको चार्ज देना होगा, बाकी के लिए तो अभी यहाँ पर यही सुविधा यहाँ पर मौजूद है। यदि आपको लगता है कि कोई परेशानी है तो एक बार ये ट्राई किया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें और ठीक रहें, क्योंकि इस समय पे मुश्किल समय है, कठिन वक्त है, इससे निकलना सभी की अपनी जिम्मेदारी है। तो एक और चीज़ कही जा सकती है कि आप लोग भी ना, भगवान ना करे आपको इस जगह की ज़रूरत पड़े, हालाँकि ये जो कार्य है एक सराहनीय इसलिए हो सकता है क्योंकि विपता आई हुई है, चाहे शहर की बात करें, प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, पूरी जगहों पर ये विपता है, लेकिन हम चाहते हैं, पहचान फरीदाबाद ये चाहता है कि जो भी व्यक्ति अपने घर पर रह रहे हैं, जो भी कहीं भी हैं, वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और फिट रहें, उनको किसी भी ऐसे आइसोलेशन वार्ड की ज़रूरत ना पड़े। इस समय पर मेरे साथ मौजूद हैं रवि सिन्हा जी, जो यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। सर, जो आज यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड आप लोग 3 दिन से चला रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये एक्चुअली हमारे CMD साहब जो रोहतास बोल रहे हैं, उनका विजन था कि इतने सब लोग, क्योंकि हमारे ओमैक्स में भी परिवार में भी काफ़ी लोग की डेथ हुई थी, और उनको बेड्स वगैरह ना मिलने के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, वेंटिलेटर्स बेड ना मिलने के कारण तो बहुत परेशानी हुई और काफ़ी लोग हमें खोए। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द हम इस्टेब्लिश करें, ताकि हम बाहर के लोगों की तो देख रेख कर सकें, अपने लोगों का भी ख्याल रख सकें। तो उसके हिसाब से हमने सेटअप किया था, जो 50 बेड्स का जो सेटअप किया है। ऑक्सीजन काफ़ी दिक्कत थी, उसके हिसाब से DC साहब, जो DC से जो फरीदाबाद हैं, वो आए थे, उन CMO साहब के साथ उन्होंने यहाँ पर एक पूरा देख के गए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आपको जितने भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी हम देंगे जी। तो उसके हिसाब से अभी हमने 10 बेड्स का इसलिए करा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हमारे पास हमारे पास सिलेंडर्स, तो जैसे जैसे हमारे पास पेशेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का आगे से इंतज़ाम करेंगे और वैसे वैसे बढ़ाएंगे उसको। और उस हिसाब से यहाँ पर मील्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और जो भी बेड्स वगैरह का जो भी कॉस्ट है वो कोई कॉस्ट नहीं है, सारा चैरिटेबल उसमें जाएगा CSR। तो इस हिसाब से हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ सेवा कर सकें और लोगों को जितना हो सके हम लोग हेल्प करें। सर, क्या होता है जब कोई कोविड पेशेंट हो जाता है या मरीज या इसे कोरोना से ग्रस्त हो जाता है तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए कुछ योग वगैरह का या कुछ प्राणायाम वगैरह का ऐसा कुछ रखा गया हो? नहीं, वो अभी नहीं रखा है, लेकिन वो डॉक्टर गुप्ता ने, डॉक्टर मनोज गुप्ता ने जो देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो जैसे जैसे मरीज बढ़ेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही है, वी हैव ओनली 1 पेशेंट, तो और उनकी अभी हालत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनके साथ, ऑक्सीजन लेवल भी उनका अच्छा है, तो इसी वजह से अब जैसे जैसे बढ़ेंगे उसके हिसाब से फिर देन एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे, जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ेंगे तो फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी, जो आप कह रहे हैं योगा या फिर और अलग, तो उसके बारे में भी एक हमने सोच रखा है, सो विल डू दैट। इस समय पर मेरे साथ मौजूद हैं अमित बंसल जी। सर, आप लोगों के द्वारा ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में जो कोविड आइसोलेशन वार्ड ओपन किया गया, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको?
ये सारा श्रेय इसका हमारे चेयरमैन श्री रोहताज गोयल जी, जिनकी तरफ से ये कोविड केयर सेंटर स्टार्ट किया गया है जी। जो हमारे यहाँ के निर्धन व्यक्ति हैं, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जो अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करा सकते हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट साहब की तरफ से सुविधा रखी गई है। क्या-क्या सुविधाएं इसमें मौजूद हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की हम लोग कंप्लीट सुविधा दे रहे हैं। सारी दवाइयाँ, मास्क, पीपीई किट्स, इवन फूड की व्यवस्था भी हमारी तरफ से ही की गई है, जो कि कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। लैब्स के साथ में भी टाई अप है, जो कि 25-30% तक का डिस्काउंट, नॉर्मल रेट से भी 25-30% डिस्काउंट यहाँ के पेशेंट्स को उपलब्ध करा रहे हैं। आप तक लोग कांटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे पहुँचते हैं आप तक? एक हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से एक नंबर डिस्प्ले किया गया है, जो कि वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। उस नंबर पे कांटेक्ट करके क्वेरी भी काफ़ी आ रही है, लोग स्वास्थ्य का लाभ भी ले रहे हैं, इवन पेशेंट्स भी एडमिट हैं अभी अंदर, यहाँ से पेशेंट ठीक भी होके जा रहे हैं। कितने बेड्स आपने 50 बेड्स का बनाया है, यदि रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो? अभी हमने जो सेटअप तैयार किया है वो 50 बेड्स का सेटअप तैयार किया है। प्रशासन की तरफ से हमें 10 बेड की अप्रूवल है जी। जैसे जैसे मरीज की संख्या बढ़ेगी, उसी के बिना पे प्रशासन हमें इसकी इंक्रीमेंट की परमिशन दे देगा, और अगर 50 से भी ऊपर की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वी आर रेडी फॉर दैट, हम लोग उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिला प्रशासन के सहयोग की अगर बात करें तो किस प्रकार के सहयोग आपको मिल रहे हैं उनसे? जिला प्रशासन की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। यहाँ के DC साहब ने खुद स्वयं आकर यहाँ पर निरीक्षण किया था और हमें ऑक्सीजन सुचारू रूप से उपलब्ध कराने का प्रॉमिस भी किया है, जो कि मिल भी रही है। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू दैम। और CMO साहब की तरफ से भी बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, दवाइयाँ वगैरह अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो वो उपलब्ध करा देते हैं, और समय समय पर उनकी तरफ से अगर हम लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं तो उनकी तरफ से एम्बुलेंस की सपोर्ट भी हमें दी जाती है। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह की भी इसमें सपोर्ट मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, CMO की तरफ से पूरी सपोर्ट मिल रही है। अगर मेडिकल स्टाफ की बात करें तो वो आपको कौन सी जगह से प्रोवाइड हुए हैं? हमारे हॉस्पिटल से हैं? जी जी जी, मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, जिनकी देखरेख में ये सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। यहाँ पर पूरा कम्प्लीट नर्सिंग स्टाफ है, कंपाउंडर्स हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और मैन पावर प्रॉपर है, जो कि पूरी सुविधा के साथ में, सुरक्षा के साथ में PPE किट पहन के, मास्क पहन के व्यवस्था को सुचारू रूप दे रहे हैं। किस तरह के पेशेंट्स आ सकते हैं यहाँ पे, या कोई गंभीर पेशेंट्स भी आ सकते हैं? नहीं, गंभीर पेशेंट्स के लिए तो हमारे पास व्यवस्थाएँ उपलब्ध नहीं हैं, पर जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 तक है तो हम लोग उनको कैटर कर रहे हैं। उससे ज़्यादा डाउन होने पर हम लोग फर्दर किसी बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे ये सारी सुविधाएं हों वहाँ के लिए रेफर कर देते हैं। थैंक यू। कोई समस्या आपको घेरती है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पर रिसेप्शन पे बता सकते हैं कि ये समस्या है और आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।